हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो मैंने इस सूटकेस में अपने लिए और बच्चे के लिए सामान पैक कर लिया है। जैसे कि जो भी मेरा वीडियोस देखते हैं या जो भी मेरा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूँगी कि अभी मेरा 9th मंथ चल रहा है और जून लास्ट की डॉक्टर ने मुझे डेट दी है, तो उससे पहले हॉस्पिटल बैग तैयार कर लेना चाहिए। तो मैंने कुछ मोस्ट इसेंशियल जो भी चीज़ें मुझे याद आई या वो सब चीज़ें मैंने अपने और बच्चे के लिए दोनों के लिए रख ली हैं। और अगर मैं कुछ मिस कर रही हूँ तो आपको अगर कुछ याद आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इस तरफ रखा है मैंने बच्चे के लिए थोड़ा सा सामान जो भी मुझे याद आया, तो ये सब सामान मैंने बच्चे के लिए रखा है। और ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जो बच्चा होने के बाद नर्स आपसे मांगेगी, टॉवल एंड कपड़े। और इस तरफ रखा है मैंने अपने लिए सामान। तो मैं आपको भी कंप्लीट डिटेल से पूरा वीडियो दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या सामान रखा है। और मैं आपसे सिर्फ एक यही चीज़ बोलना चाहूंगी, अगर वीडियो पसंद आए आपको तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। साथ में ये मैंने एक पाउच रखा है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे कॉम और ये सब चीज़ें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माई चैनल। सो सबसे पहले थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए। दूसरा, जैसे कि आपने टाइटल में पढ़ा और मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको दिखाया कि मैंने अपना हॉस्पिटल बैग तैयार कर लिया है, और मैं आपको आज बताऊंगी कि मैंने अपने हॉस्पिटल बैग में क्या क्या रखा है। तो वीडियो को ज़्यादा डिले ना करते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करना चाहूँगी। तो सबसे पहले मैं बेबी का सामान आपको दिखाना चाहूँगी कि आप बेबी के लिए ये चीज़ें ले जाना ना भूलें। और मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, मैंने ऑनलाइन परचेजिंग या बेबी के लिए न्यू प्रोडक्ट्स बहुत कम खरीदे हैं, क्योंकि मुझे हमारे घर पर या हमारे यहाँ ये बोला जाता है कि छठी से पहले बच्चे के लिए कोई भी नया कपड़ा नहीं ख़रीदा जाता। तो मुझे लगता है कि आपके स्टेट में या आपके शहर में या आपके घर में भी इसी तरीके की कुछ बातें मानी जाती होंगी जो आपके बड़े आपको बताते होंगे। मेरे यहाँ यही है कि छठी से पहले हम बच्चे का कोई भी नया कपड़ा नहीं खरीदते। तो मैंने बेबी के लिए कुछ पुराने कपड़े रखे हैं और कुछ बेबी के लिए और बिछौनी और इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें मैंने रखी हैं, वो सब यूज्ड हैं। मैंने बच्चे के लिए कुछ भी नया अभी ऑनलाइन या मार्केट से कुछ भी नहीं ख़रीदा। तो मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहूँगी कि मैंने एक या दो चीज़ें मार्केट से मंगवाई हैं ऑनलाइन। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने उसके लिए क्या मंगवाया है। ये मैंने मंगवाए हैं बच्चे के लिए डायपर। तो ये 0 साइज़ का डायपर मैंने मंगवाया है। तो वैसे मैं बच्चे के लिए डायपर कम यूज़ करूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ सबके जो भी मिडिल क्लास फैमिली है वो चीज़ आप लोग भी फॉलो करते होंगे कि बच्चे के लिए लंगोट यूज़ किए जाते हैं और कुछ दरियाँ बच्चे के लिए यूज़ की जाती हैं। तो कुछ इस तरीके के कपड़े मेरे पास हैं, बट हॉस्पिटल के लिए मैंने बच्चे के लिए डायपर मंगवाया है। तो ये एक पैक मैंने डायपर का मंगवाया बच्चे के लिए। दूसरा, बच्चे के लिए मैंने टॉवल रखा है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपसे नर्स बच्चे के लिए कुछ कपड़े ज़रूर मांगेगी, तो टॉवल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आप बच्चे के लिए रखना ना भूलें। और अगर आप ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं या कुछ भी आप नया ख़रीदते हैं तो उसको अच्छे से वॉश कर लें। कोई भी पैकेट वाली चीज़ बच्चे के लिए एकदम यूज़ ना करें, क्योंकि धुलने के बाद कपड़ा थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है। तो आप अगर कुछ भी ऑनलाइन या मार्केट से बच्चे के लिए परचेज़ कर रहे हैं तो मैं आपको यही एडवाइज़ करूँगी, आप उसको एक बार अच्छे से वॉश कर लें। और अगर आप उसको डिटॉल में वॉश करेंगे तो वो भी बहुत अच्छा है। तो ये सब मैंने कपड़े बच्चे के लिए डिटॉल में वॉश कर पैक किए हैं अपने सूटकेस में हॉस्पिटल के लिए। दूसरा, कुछ इस तरीके की ये शीट बच्चे को कवर करने के लिए, ये मैंने 4 से 5 शीट्स इस तरीके की रखी हैं। ये प्योर कॉटन है, क्योंकि बच्चा
ये सब प्योर कॉटन फैब्रिक के कपड़े हैं। कुछ बच्चे के लिए कपड़े रखे हैं। बच्चे के लिए कैप, क्योंकि हॉस्पिटल में एसी या फैन ज़रूर होगा। एसी तो आजकल हर हॉस्पिटल में होता ही है, तो बच्चे के लिए कैप ज़रूर रखें। तो ये मैंने 2 से 3 कैप रखे हैं और साथ में एक बिब रखा है। बिब की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बट मैंने फिर भी बच्चे के लिए एक बिब रखा है और साथ में एक शहद की बॉटल। हमारे यहाँ ये बोला जाता है कि जब बच्चा होता है तो उसको शहद चटाया जाता है, तो मैंने एक छोटा सा बॉटल शहद का रखा है। साथ में एक चांदी की कटोरी और चम्मच, ये भी साथ में मैंने रखा है। वाइप्स, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ये आप बिल्कुल भी ले जाना ना भूलें। और वाइप्स का बड़ा पैक आप मंगवा सकते हैं, छोटा पैक मत लीजिएगा, बड़ा ही पैक मंगवाइएगा, क्योंकि ये आपके लिए भी यूज़ हो सकता है, बच्चे के लिए भी। तो ये आज के टाइम में बहुत एसेंशियल चीज़ है वाइप्स। तो ये छोटी छोटी, ये भी एक कॉटन की आप बच्चे को कवर करने के लिए, स्वेडल करने के लिए ये एक शीट रखी है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मैंने बच्चे के लिए रखी हैं। साथ में अब मैं अपना आपको दिखाना चाहूँगी कि मैंने अपने लिए क्या क्या रखा है। सबसे पहले मैंने कॉटन का प्योर दुपट्टा रखा है अपने सिर को कवर करने के लिए। साथ में कुछ नाइटी और एक ये नाइट सूट मैंने रखा है अपने लिए। कुछ हैंड टॉवल, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। साथ में एक किट बनाया है, तो इसमें मैं दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या रखा है। कुछ इसमें सैनिटरी, मैंने अपने लिए सैनिटरी पैड्स रखे हैं। कॉम रखा है, एक लाइफ बॉय का साबुन रखा है छोटा, शैम्पू रखा है अपने लिए नहीं, जो भी साथ में रुकेगा उसके लिए हो सकता है ज़रूरत पड़ जाए। एक छोटा सा पाउच है, आप रख लें तो अच्छा है, आप कंफर्टेबल फील करेंगे कि हाँ आपके पास सब सामान है। एक रबड़ रखी है, एक छोटा टूथपेस्ट रखा है। ये टूथपेस्ट मैं नहीं करूँगी क्योंकि एक दो दिन तक ब्रश नहीं किया जाता, तो ये मैंने एक टूथपेस्ट रखा है। और साथ में एक डिटोल की बॉटल, तो एक मैंने काजल रखा है बच्चे को लगाने के लिए। तो इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें मैंने अपने हॉस्पिटल बैग में रखी हैं। जैसे कि मैंने बताया, मैंने कुछ भी ऑनलाइन परचेजिंग या मार्केट से कुछ भी नया नहीं ख़रीदा है। मैंने जो मोस्ट एसेंशियल चीज़ें थी, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें थी, वो मैंने अपने हॉस्पिटल बैग में रखी हैं। और साथ में आपका मोबाइल और चार्जर, ये सब चीज़ें भी साथ में रखी जाएंगी। बट मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, अगर मैं कुछ मिस कर रही हूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये चीज़ें भी ले जाना काफ़ी ज़रूरी है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि और क्या मैं इसमें रख सकती हूँ जो मुझे हॉस्पिटल बैग में हेल्प करे, अगर आपको कुछ याद आ रहा है तो। मैंने अपनी तरफ से सब चीज़ें रख ली हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।